अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिंगिल्ला और अभी सुनो टीवी लगाएं और मॉर्निंग शो में आपसे गपशप होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मनवा गाता जाए, जाना है हम का दूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रिंगिल्ला और फिल्म स्टार रंगीला सईद खान, उनकी बरसी है। तो ऐसे बड़े लोगों को आप हैरान होंगे कि मैं बड़े मुस्कुराते बात कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि जिन जो लोग जीते हुए होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, उनको जब याद करते हैं तो मुस्कुराते हुए, दुआएं देते हुए याद करते हैं। उनकी बरसी है, आप भी उनके लिए दुआएं कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने वो कुछ किया ज़िंदगी में आपके लिए, हमारे लिए, हमारे हंसाने का जो बंदोबस्त किया। आप आज भी वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आप चाहे रंगीला देखें, आप दो रंगीले देखें, आप इंसान और गधा देखें, हैं जी, आप वो सोना चांदी देखें, आप अमानत फिल्म देखें, कोई भी देखें, आपको बेहतरीन म्यूज़िक मिलेगा और बेहतरीन कॉमेडी मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो अब दोबारा नहीं आएंगे। अल्लाह पाक रंगीला साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं अज़र रंगीला उनकी दुआओं का सिला हूँ। उन्होंने जो दुआएं दी, अल्लाह ने आज सुनी। मैं कोशिश करता हूं कि वो काम करूं जिससे उनकी यादें, उनकी बातें ऐसे सदाबहार हो जाएं। तो हम तो कुछ नहीं, हम उन फूलों की खुशबुएं हैं, जहां जाएंगे महकेंगे, उनकी ही बातें होंगी, उनकी ही यादें होंगी। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, हाय प्यार हुआ था। थैंक यू वेरी मच। हंसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। रंगीला का जिक्र करेंगे। यकम जनवरी 1937 को बारा चुनार में पैदा हुए। उन्होंने 1958 में अदाकारी का आगाज किया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रंगीला, उनके आज भी उनका किया हुआ काम जब हम देखते हैं तो उसी तरह मासी की चुनौतियों में जले जाते हैं, और आज भी अगर हम देखें तो बहुत शुक्रिया इस दिन में आपने याद किया, और मैं समझता हूँ मैं से पवेंदा याद करो, पर आज के दिन में जरूर मौका दिया करें कि मैं इन बड़ों की बात में शामिल होकर उनके लिए दुआएं करूं और दूसरों से कहूं कि ये वो लोग हैं जो कि दोबारा नहीं आएंगे। बेशक बेशक। तो लीला साहब के बारे में क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि लीला दुनिया के एक ही थे और दुनिया को मान दे गए बेहतरीन लेवर का नक्शे कदम पे चलना कोई बुरी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को देखते हैं। क्योंकि मैंने जो बड़ों से देखा, बाबा बुले शाह सरकार पर माने, किसी ने मानता कि तेरे को माने या किसी ने मानता कौन मानता, वो हैं जिन्होंने सचमुच उनसे दुआएं लिए। राइटो थिएटर रावलपिंडी सन 2003 में हमने ड्रामा किया इकट्ठे, मैंने और बाबा जी ने, ड्रामे का नाम दो रंगी है। जब वहाँ पहुंचे तो बड़ी सारी फ्लैक्स लगी हुई, तो लिखा हुआ अज़र रंगीला और रंगीला साहब पहली दफ़ा एक साथ। मुझे कहते हैं आओ तो देख। मैं कहा हाँ जी देखा है। आओ क्या ना देख जी, बहुत अच्छा है। किसी में इतनी जरूरत नहीं थी, मेरे साथ तस्वीर भी लगती और तुम कामयाब हो। अब मैं आज उन बातों को जब सबर में भी लाता हूँ तो वो इतनी बड़ी दुआ थी उनकी। जो जीता हुआ बंदा होता है ना, जो किसी का खड़ा करता है, बिल्कुल जीते हैं, कोई छोटी बात नहीं। आर्टिस्ट के साथ उनका रवैया किस तरह से था, जैसा से आपने अभी बताया, बड़े इनकरेजिंग थे वो झूठे करने को भी मानते थे। वो चाहे औलाद में थे, वो कहते थे करके दिखाओ क्या हो। इसकी बड़ी मिसाल के हमारे एक्टर थे दर्पण संतोष कुमार जी, अलग ही कैरेक्टर, उनके छोटे भाई थे मंसूर, बड़े खूबसूरत, नीली आंखें, गोरा चेहरा, बड़ा प्यारे, हाइट वाइट बेहतरीन। वो रंगीला प्रोडक्शन में गए, लक्ष्मी चौक जो बाबा जी का ऑफिस था, कहते मैं उनका भाई हूँ संतोष कुमार का, तो मुझे फिल्मों में काम दे।
तो कहने लगे वो तो अपनी करके जा चुके, तुम क्या हो शो करो, फिर बिजनेस होगा। शो बिजनेस मतलब अपने आप को आपको करना पड़ेगा। सिफारिश आ गई थी मुझे मौका तो मिल गया, बाकी मैंने क्या मैं सलाह का जानने वाला हूं, मुझे नहीं पता। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपके दिल के नजदीक है? मुझे उनकी एक फिल्म है रंगीला, तो वो मैं आज तक उसका एंड भी देख सकता। क्यों? क्यों उसकी जो वजह थी ना, जो वो कहती ना कि निशो बेगम कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, मेरे लिए मस्करे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो आईने में शक्ल देखो जाकर बस सूरत हो तुम। वो जब वहाँ से निकलते हैं तो माँ को आकर पूछते हैं कि माँ तो लड़कों को और ये जो हमारे ग्रेड के लोग हैं, अच्छा मेरा किस किस सीन है, अच्छा कब तक फारिग हो जाएंगे? हमें जरूरत ही नहीं, हमें चोर रास्ते से आने की जरूरत नहीं, हम सीधे रास्ते से आए और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं देखता हूँ माशाल्लाह आपने बहुत नाम कमाया, शुक्र अल्लाह का, बड़ों की दुआएं। ये मैं कहता हूँ बाबा जी की जिंदगी में 98 में फिल्म चूड़ियां मेरी लगी, तो जब उन्होंने अपनी निकल जो पैसे कट के हैं जी, तो मठियाई मुगाई रंगीला साहब ने तो कहा आज अल्लाह ने इसको नाम वाला कर दिया है। ये 98 की बात है, ठीक है। उनकी जिंदगी में बाहर का सफर करने लग गया, मुझे नजदीक लगा हुआ था बुलाया जा रहे अच्छा जी हाँ हाँ अल्लाह लैन बड़ी खतरनाक थी। बहुत शुक्रिया।